हम पुत्र दाई एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं। हम पुत्र दाई एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज हम आपको पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। ये व्रत श्री विष्णु भगवान को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धर्म शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की संतान नहीं होती उनके लिए ये व्रत विशेष शुभ फलदायी होता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की ये परम कल्याणकारी कथा। सबसे पहले व्रत करने की भक्तों विधि बताएं, अत्यंत ही प्रसन्न जिससे श्री विष्णु जी तो हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करना चाहिए स्नान, एकादशी के व्रत करने का मन में लेना था। और यदि व्रत करते हैं संतान की प्राप्ति को करना चाहिए व्रत फिर तो भक्तों दंपत्ति को। उत्तम माना जाता है व्रत जो करते निराहार, विष्णु जी की पूजा करें करके षोडशोपचार। सहस्त्र नाम श्री विष्णु जी के जपे तो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जिनकी ना हो संतान उनको भी मिले वरदान, जिनकी ना हो संतान उनको भी मिले वरदान। भक्तजनों, पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत उत्तम फलदायी होता है। संतान की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को लाभकारी माना जाता है। एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए और व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। धूप दीप आदि 16 सामग्रियों से श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ तो बड़ा ही परम कल्याणकारी माना गया है। इसके पश्चात विष्णु जी को भोग लगाकर आरती करनी चाहिए और जाने अनजाने में हुई भूल की क्षमा मांगनी चाहिए। रात में दीप दान अवश्य ही करना चाहिए और पूरी रात श्री हरि का जागरण करना चाहिए। अगली सुबह पुनः विष्णु भगवान की पूजा करके सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवा के और दान दक्षिणा दें। एकादशी के व्रत को तभी खोलना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत की भक्तों यही विधि है, वैसे तो श्री हरि विष्णु को प्रिय एकादशी है। पुत्रदा एकादशी बड़ी उत्तम मानी जाती है, निसंतान को भी संतान की होती प्राप्ति है। विधि विधान से जो श्री हरि की पूजा की जाए, एकादशी व्रत का फल भी तो शीघ्र ही मिल जाए। पुत्रदा एकादशी व्रत की एक कथा पौराणिक, पद्म पुराण में पाई जाती भक्त कथा ये वर्णित।
इस कथा का वर्णन हम भी करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनो पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले भक्त को पूजा पाठ के बाद इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कहते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की ये पावन कथा धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं श्री कृष्ण के मुख से सुनी थी। जब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास आते हैं तो उस समय पुत्रदा एकादशी निकट ही थी, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। तब स्वयं श्री कृष्ण ने उनको ये पावन कथा सुनाई। एक दिन जब है युधिष्ठिर श्री कृष्णा के पास आए, बोले पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा सुनाए। आपने ही मुझे सफला एकादशी की कथा सुनाई, आनंद आया मुझको सुनकर है श्री कृष्ण बड़ा ही। कहने लगे हैं कृष्ण युधिष्ठिर की बातों को सुनकर, सबसे पहले अपना आसन कर लो ग्रहण युधिष्ठिर। जो भी जानने की इच्छा है सब कुछ तुम्हें बताऊं, पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा भी सुनाऊं। युधिष्ठिर अपने आसन पर फिर बैठ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, श्री कृष्ण समय समय पर पांडवों का मार्गदर्शन करते रहते थे। उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण ही पांडवों ने धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति की थी। एक बार की बात है, जब पौष पुत्रदा एकादशी निकट आने वाली थी तो धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को आग्रह किया कि पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाएं। तब धर्मराज की विनती पर श्री कृष्ण ने उन्हें कथा सुनाई जो इस प्रकार है। पुत्रदा एकादशी कथा व्रत सुनो लगा कर ध्यान, भद्रावती नगर का राजा नाम सुकेतु मान। पतिव्रता थी पत्नी उसकी जिसका नाम शव्या, अनेकों ही वर्षों तक उनका पुत्र न कोई हुआ। पुत्र न होने के कारण रानी बड़ी चिंतित रहती, अपना वंश क्या नहीं चलेगा वो राजा से कहती। राजा सुकेतु मान रानी को समझाते हैं, भाग्य में लिखा विधाता ने वो वही मिल जाते हैं। पुत्र भी अवश्य होगा यदि श्री हरि चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा सुकेतु मान रानी को तो अवश्य समझाते थे, किंतु चिंतित तो स्वयं भी थे, क्योंकि उनके पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे। राजा सोचते इसके पश्चात पिंडदान कौन करेगा, मेरे पास भाई बांधो हाथी घोड़े और स्वर्ण युक्त खजाना होने के पश्चात भी मुझे वो सुख नहीं है।
मेरी मृत्यु के पश्चात तो पिंड दान करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण भला मैं कैसे चुका पाऊंगा? बिना पुत्र के मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता। जिस घर में पुत्र ना हो वहां सदा ही अंधकार समझो। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देख लिया वो धन्य है। पुत्र के बिना इस लोक में यश तो मिल सकता है किंतु परलोक में शांति कदापि नहीं मिल सकती। अतः पुत्र प्राप्ति का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। पुत्र की प्राप्ति का राजा तो सदा ही करे विचार। एक दिन घोड़े पर चढ़ कर गया वन में करने बिहार। पशु पक्षियों को देख के उसका मन हर्षाया। आधा दिन तो राजा ने वन में ही है बिताया। देखा वन में मोर बोले कूके कोयल काली। झुकी हुई फल और फूलों से कई वृक्षों की डाली। कहीं मृग कहीं सिंह सियार भी भ्रमण कर रहे हैं। चहे चहाहट वो पक्षियों की श्रवण कर रहे हैं। देख प्रसन्न सभी को राजा दुखी हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जनों, राजा ने वन में आकर देखा कि अनेकों प्रकार के पशु पक्षी इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। कहीं हाथी अपने पूरे झुंडों के साथ विहार कर रहे हैं। कहीं मोर तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। कहीं कोयल मीठे सुर में गा रही है तो कहीं गीदड़ अपनी कर्कश आवाज में बोल रहे हैं। किंतु अपनी अपनी जगह राजा को सभी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। राजा एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा, मैंने अनेकों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त कराया, किंतु ना जाने मुझे ये दुख क्यों देखना पड़ रहा है। इतना सोचते सोचते राजा बड़े दुखी होते हैं। अब राजा को बड़ी प्यास भी लग आई थी तो राजा आसपास पानी का स्रोत खोजने लगा। सोचते सोचते ही राजा को जोर की प्यास लगी। जल के लिए स्रोत ढूंढने लगता है वो यहीं। आस पास में कहीं निकट जल उसे नहीं पाया। और भी भीतर उस वन में है राजा चला आया। थोड़ी दूर ही चलकर उसको दिख गया एक सरोवर। स्वच्छ बड़ा ही जल है उसमें देखने में भी सुंदर। सुंदर कमल खिले हैं जिसमें सारस करे विहार। ऐसा सरोवर राजा ने देखा था पहली बार। अंग दाहिने भी राजा के कांपने लगते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जिनकी ना हो संतान उनको भी मिले वरदान। जिनकी ना हो संतान उनको भी मिले वरदान। भक्त जनों, राजा सुकेतमान जल पीने की इच्छा से जब सरोवर के पास गया तो उस अद्भुत सरोवर को देखकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। जिसमें अनेकों सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। सारस और मगरमच्छ विहार कर रहे थे और आसपास अनेकों ही ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा जल पीने की इच्छा से निकट गया तो उसके दाहिने अंग फड़कने लगे। ये राजा के लिए अति शुभ संकेत था। उसने सरोवर से जल ग्रहण किया।
और फिर दर्शनों की इच्छा से ऋषि मुनियों के आश्रम में आ गया और उन्हें दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। ऋषि मुनियों के आश्रम में राजा चल आया है, आकर के सबके चरणों में शीश झुकाया है। बैठा है कुछ देर वहां, फिर लगा है सेवा करने। प्रसन्न हो गए ऋषि मुनि और लग राजा से कहने, आपकी सेवा से प्रसन्न हम राजन बड़े हुए। दुविधा हो कोई मन में तो हमसे आप कहें। कहने लगा है ऋषि मुनियों से राजा सुकेतु मान, हे ऋषिवर मुझे हुई नहीं है अब तक कोई संतान। दो वरदान पुत्र का आप यदि देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी ना हो संतान उनको भी मिले वरदान, जिनकी ना हो संतान उनको भी मिले वरदान। भक्तजनों, राजा सुकेतु मान की सेवा से सभी ऋषि मुनि अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा सुकेतु मान से कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा सुकेतु मान कहने लगा, हे मुनिवर, वैसे तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किंतु मेरे विवाह को अनेकों वर्ष बीत गए हैं, अभी तक संतान प्राप्ति का सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। राजा सुकेतु मान की विनती सुनकर एक अति वयोवृद्ध ऋषि कहने लगे, हे राजन, हम विश्व देव हैं और आपके कल्याण के लिए ही यहाँ आए हैं। बोले मुनिवर, हे राजन, अब आप न घबराएं, आप कहीं कल्याण है तो सब हम हैं यहाँ आए। पुत्र की प्राप्ति होगी आपको एक मुनि ने कहा है, कल ही व्रत है राजन, पुत्र दा एकादशी का है। श्रद्धा भाव से साथ हमारे उस व्रत को करना, पुत्र की प्राप्ति होगी राजन चिंता नहीं करना। जैसा जैसा मुनि ने राजा सुकेतु मान से कहा, विधि विधान से व्रत राजन ने पूरा वही किया। दान दिया है ब्राह्मणों को जब नगरी में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, राजा सुकेतु मान ने उन ऋषियों के कहने के अनुसार पूरी विधि विधान से व्रत को किया और नगरी में आकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब दान दक्षिणा भी दी। कुछ ही दिनों में रानी गर्भवती हो गई और समय पूरा होने पर राजा सुकेतु मान को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। श्री कृष्णा कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पुत्रदा एकादशी व्रत की यही पौराणिक कथा है, इसे व्रती को अवश्य ही सुनना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत की युधिष्ठिर यही कथा, श्रद्धा भाव से श्रवण कथा का जो भी है करता। उन भक्तों पर कृपा करते श्री विष्णु भगवान, एकादशी व्रत करने से मिले मनचाहा वरदान। एकादशी की व्रत कथा भी उत्तम फलदाई है, हंस
आज रेलहन को भी ये पसंद बड़ी आई है। फौज सुरेश भी सिमर शारदा लिखता जाता है। डीएस पाल कथाएं श्रद्धा भाव से गाता है। सुनने वाले लाखों भक्त कृपा पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।